हेलो गाइस, वेलकम टू द फास्ट व्हील्स। आज का ये जो वीडियो है ये रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 के ऊपर है। आपने ऑलरेडी थंबनेल देख के समझ चुके होंगे, ये जो है रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला का ये टॉप मॉडल के पहले वाला मॉडल है। इसका ऑन रोड प्राइस आपको वीडियो के इन तक हम बता देंगे। इसका पहले मैं बता दूँ, जो मेन हाईलाइट है गाड़ी का वो है इसका इंजन। रॉयल एनफील्ड आज बहुत दिनों बाद एक 450 लिक्विड कूल्ड इंजन लॉन्च किया है, जो कि एकदम मार्केट में नया है। इसका मेन हाईलाइट यही है कि इसमें जो पावर फिगर आता है वो नॉर्मल जो क्लासिक 350 बुलेट 350 था उन लोगों के मुकाबले काफ़ी पावरफुल इंजन ये है, जो कि रोड परफॉर्मेंस ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। इसका टॉप एंड नियर अबाउट 180 तक जा रहा है और एक्सलेशन जो है वो आपको थ्रॉटल देने में ही पता चलेगा। और इसका टॉर्क तो है ऑलरेडी, आपको स्क्रीन में इसका पावर फिगर दिख रहा होगा, इंजन कॉन्फ़िगरेशन में डाल दूंगा वीडियो में। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इसके लुक्स के ऊपर। पर इसका एक और कलर वेरिएंट है, शोरूम के अंदर देख सकते हैं। ये इसका टॉप मॉडल आता है, जो कि ये वाला व्हाइट एंड ब्लू एसेंट के साथ आता है। इसका फ्रंट रिम टोटली ब्लू आता है। ये किसी को अच्छा लग सकता है, थोड़ा फंकी कलर लगता है, रेट्रो कम लगता है, लेकिन पर्सनली मुझे ये वाला कलर उतना अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है कंसीडर कर सकते हैं, मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक और जो है येलो गोल्डन कलर में आता है रेड के साथ, जिसको बोलता है गोल्ड डीप, वो कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वो अभी फ्लोर में अवेलेबल नहीं है, स्क्रीन में इसका जो कलर है डाल दूंगा। आप बहुत टाइम से इसका जो है साइड प्रोफाइल देख रहे होंगे, अभी मैं इसको आपको सामने से जो मैं दिखा रहा हूँ ये फ्रंट प्रोफाइल आप अच्छे से देख सकते हैं। इसका ऑल एलईडी सेटअप से आता है। फ्रंट में ये जो है आपको जो है हाई बीम लो बीम मिलेगा, और इधर जो है ये आपको इंडिकेटर मिलेगा। और पीछे में भी इसका जो इंडिकेटर है ये थोड़ा सा यूनिक है बीएमडब्ल्यू स्टाइल में। इसका जो आप इंडिकेटर देख पा रहे हैं यही इसका बैकलाइट है। तो इस बैकलाइट के साथ ही इसका इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। मैं चाबी ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा लाइट। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका इंडिकेटर, यही इसका बैकलाइट, और इसके अंदर ही इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। तो इसका जो ओवरऑल गाड़ी का लुक्स है ये आपको सामने से बहुत ही शॉर्ट लग सकता है, लेकिन गाड़ी छोटा नहीं है। इसका ओवरऑल जो टैंक है ये काफ़ी बड़ा है, और इसका ओवरऑल जो व्हील बेस है साइड से देखने में भी इसको एक बिग व्हील फील देता है, और ऊपर से बड़ा डिस्प्लेसमेंट का जो इंजन है ये काफ़ी अच्छे से जगह लेता है। अब इसका देख सकते हैं कि इसका कैसे इसका जो बेंड पाइप आ रहा है, और छोटा सा एकदम छोटा शॉर्ट टाइप का इसका साइलेंसर दिया गया है। तो मैं पहले इसका टायर प्रोफाइल के बारे में बात करता हूँ। इसमें एक काफ़ी अच्छा बात है कि फ्रंट एंड रियर दोनों में काफ़ी चौड़ा मोटा एक टायर दिया गया है। ये जो फ्रंट टायर है इसका जो एलॉय है ये आता है आपका 17 इंच का, जो है फ्रंट में आपको 120 सेक्शन 70x17 का टायर है, और पीछे भी आपका 17 इंच का ये रिम आता है, लेकिन इसका जो सेक्शन है ये 160 सेक्शन का है। अभी तक इस प्राइस में आपको 160 सेक्शन का टायर किसी भी बाइक में नहीं आता, 150 तक आता है जो KTM देता है, और ज़्यादातर बाइक 140 का देता है। यहाँ पर भी जितना भी बाइक है जैसे कि मीटियोर है, हंटर है, सब 140 से 130 तक आता है। वहाँ पर आपका गोरिल्ला है, सॉरी वो है आपका हिमालयन, उसमें भी 150 का आता है। वहाँ पर जो शॉटगन है 650 cc का है, उसमें आता है 160 सेक्शन, ये 450 में ही आपको मिल रहा है 160 सेक्शन। इसलिए बाइक नीचे वाला पार्ट जो है आपको काफ़ी ब्रॉड एंड मस्कुलर लगेगा, लेकिन ऊपर से आपको थोड़ा सा शॉर्ट हाइट लगेगा। ये एक प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि अगर कोई भी शॉर्ट हाइट इंसान है जो 5.5 इंच का है या उससे भी छोटा है, उन लोगों को उतना दिक्कत नहीं होगा। आपको इसमें कुछ सीटिंग हाइट को लेकर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हाइट हो वो एवरेज इंडियन इसमें आराम से बैठ सकता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो इसमें सबसे अच्छा अपडेट है, सॉरी इतना आदमी जा रहा है क्योंकि ये फुटपाथ में बाइक रखा हुआ है, यहाँ पर जगह का शॉर्टेज है कलकत्ता में। तो ये जो है आपका दिखाऊंगा जो मेन इसका पार्ट है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, इसमें ऑल एलईडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो इसमें आपको क्या होता है, जो ये आपको जो स्पीड है यहाँ पर दिखाता है, ये है आपका गियर इंडिकेटर, और ये है RPM, सब डिजिटल है, एनालॉग स्टाइल में है लेकिन है डिजिटल। और इसमें काफ़ी सारा मोड आता है, मोड आप ये वाला स्विच से जा सकते हैं, देख सकते हैं ये जो है ये आप एक जॉयस्टिक की तरह आप इसको मूव कर सकते हो, उस हिसाब से यहाँ पर मूव होगा, अपीयरेंस ट्रिप प्रेफरेंस सब आप इसको हिला के कर सकते हैं। तो ये है इसका एक काम, और ऊपर से यहाँ पर एक मोड का स्विच भी है,
यहाँ से गाड़ी को आप चेंज कर सकते हैं। इसमें दो मोड आता है, एक आता है राइडिंग मोड, देखिए, एक है परफॉर्मेंस और इको मोड। ठीक है, इसमें आप ABS ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और एक और चीज़, मैं सामने से हेडलाइट दिखाना भूल गया था, मैं हेडलाइट दिखा देता हूँ। ये इसका हेडलाइट, अभी ये लो बीम में है, चाबी ऑन करने से लो बीम ऑन होता है, फिर स्टार्ट करेंगे फिर हाई बीम आप कर सकते हैं, जो आप ये वाला स्विच से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो स्विच है, ये आपको हाई बीम, लो बीम एंड जो है ऑन ऑफ का लाइट का सिस्टम आता है। और यह है इसका हज़ार्ड, और टिपिकल जो इसका रेट्रो स्टाइल में आता है किल स्विच, ये राउंड में यही यहाँ पर है, ये तो मोड मैंने बता दिया। और वहाँ पर बेसिक जो है आपको हॉर्न मिलेगा एंड इंडिकेटर्स मिलेगा। अभी फ़िलहाल इसमें बैटरी का खपत हो जाएगा, इसलिए मैं इसका हैज़र्ड वगैरह सब बंद कर देता हूँ। इसको दबाने से हैज़र्ड ऑन तो होता है, बंद का ही नहीं हो रहा है, तो इससे हैज़र्ड बंद होगा और इससे आपका इंडिकेटर बंद होगा। और मैं यहाँ पर किल स्विच ऑन करके आपको इसका थोड़ा साउंड सुनाऊँगा थोड़ी देर बाद। तो ओवरऑल गाड़ी के बारे में मैं बता दूँ कि इसका जो सीट है काफ़ी ब्रॉड है, बैठने में आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन लेंथ थोड़ा सा छोटा लग सकता है। अगर कोई इंसान ज़्यादा चौड़ा है या ज़्यादा उनका पेट निकला हुआ है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव लेकर देखा है कि इसमें दो आदमी अगर दोनों का हेल्दी हो तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है सीट में, लेकिन अगर नॉर्मल जो है दोनों आदमी जो हेल्दी कम है या तो स्लिम है, उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें एक प्रॉपर ग्रैब हैंडल दिया गया है, अब अच्छे से पकड़ पाएंगे इसको, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकलिटी गाड़ी में है, ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी अच्छा है, आपको बम्प वगैरह में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हाँ ज़्यादा बड़ा बम्प होगा तो उसमें तो तब तो एडवेंचर बाइक का ज़रूरत पड़ जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो मैंने फील किया, हीटिंग इशू थोड़ा बहुत है। मैंने ट्रैफिक में चलाया था, ज़्यादा दिन में भी नहीं, 10-15 मिनट चलाया था, तब भी मुझे थोड़ा थोड़ा गर्मी लगने लगा था, फास्ट सेकंड गियर में हीट हो रहा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा लॉन्ग चलाएंगे और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है, ये आपका अप साउंड डाउन फोक्स नहीं आता, ये टेलीस्कोपिक है, लेकिन प्रॉपरली कवर्ड है। और कितना mm का है मुझे पता नहीं, मैं स्क्रीन में डाल दूंगा। तो इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं कि आपका अपसाइड डाउन फोक्स नहीं है तो ये कोई प्रॉब्लम का बात है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है। जो नॉर्मल क्लासिक 350 में मिरर आता है वही आता है, लेकिन 350 में जो मिरर आता है क्रोम फिनिश में, इसमें आपको ब्लैक कलर में आएगा, लेकिन प्रॉपरली काम करता है अच्छे से। लेकिन इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है थोड़ा सा बड़ा होता तो अच्छा लगता है, लेकिन रॉयल एनफील्ड यही देता है। और इसमें बार एंड मिरर भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, उसके लिए अलग से एक्सेसरीज खरीदना पड़ेगा आपको। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको इसका इंजन का साउंड सुना देता हूँ। ये 6 फुट है, इसलिए इसके लिए तो सीट काफ़ी लो है, आप सुन सकते हैं। गाड़ी में बेस है, आवाज भी आता है, नॉर्मली ये कैसा साउंड करेगा आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा। तो गाड़ी का साउंड काफ़ी बेस है, लाउड भी है, लेकिन ऐसा नहीं है आपको कान में चुभेगा। इसका एक ब्रेक के बारे में मैं बोलना भूल चुका था, इसमें जो रियर ब्रेक है ये काफ़ी अच्छा और बड़ा है, तो इसलिए ये आपको रियर ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करेगा। इसका जो डिस्क है ये 230 mm से भी बड़ा है, कितना मैं मुझे पता नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा है नॉर्मल बाइक से। लेकिन हाँ, क्रूज़र बाइक में इतना बड़ा रेयर ब्रेक आता है ऐसा नहीं कि एबनॉर्मल है। फ्रंट में शायद 180 सेक्शन का ब्रेक आता है, फ्रंट का बाइक का भी अच्छा है, पीछे का ब्रेक शायद ABS के लिए मुझे थोड़ा कम लगा। अभी ये नया बाइक है, टेस्ट राइडर का बाइक है, विथ टाइम क्या परफॉर्म धीरे धीरे होगा पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल नया चलाने के बाद मुझे लगा है रेयर ब्रेक इसका थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगा। तो ओवरऑल बाइक का एक राइड रिव्यू मैं बाद में डाल दूंगा, माइलेज रिव्यू भी आएगा गाड़ी का, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हाँ बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तभी आपको मिल जाए। और एक और चीज़, मैं ये वीडियो अभी तक आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और कुछ और नया नया वीडियो डालने का भी मन करता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली रिएक्शन कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।